हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो आप मेरे चैनल पर पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। तो ये जो हमारे हाथों का कालापन है, पैरों का कालापन है, या गर्दन का कालापन है, या घुटने का कालापन है, जहाँ का भी कालापन है, तो इसको साफ़ करवाने के लिए हम पार्लर में जाते हैं और काफ़ी सारा हम पैसा भी खर्च करते हैं, लेकिन हमें उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है जितना हमें होना चाहिए। और कभी कभी तो हमारे चेहरे पर दाने निकल आते हैं या हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए हमें घर में ही कुछ ऐसी रेमेडी तैयार करनी होगी जो हमारे पैसे की भी बचत कर सके और हमारी त्वचा का भी कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी ही रेमेडी हम घर पर तैयार करेंगे और उससे भरपूर गोरापन मिलेगा। तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं जो रेमेडी बताने जा रही हूँ इससे आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो हमें लेना है एलोवेरा, जो हमें घर पर ही लगाकर रखना चाहिए। और ताज़ा एलोवेरा होता है तो उसमें जेल भी अच्छा निकलता है, या आप इसकी जगह एलोवेरा जेल भी ले सकती हैं जो बाज़ार में अवेलेबल है। तो इस तरह से हमने इसके साइड से काट करके निकाल दिया है और ऊपर से हम इसे पतले से छिलके के साथ निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने एलोवेरा का छिलका उतार लिया है और इसके अंदर जो जेल होता है उसे हम निकाल लेते हैं। तो चाकू की सहायता से इस तरह से हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। तो आप चाहें तो इसे चम्मच से भी निकाल सकते हैं और ये बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। ये बहुत ही अच्छा होता है और इसमें जो हमारे चेहरे पर या हमारी स्किन में ग्लो आता है उसके लिए बहुत ही पावरफुल चीज़ है। तो आप इसे ज़रूर से लीजिएगा। और इसको हम अच्छे से फेंट लेते हैं। तो इसे चम्मच से अच्छे से फेंट सकते हैं और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से फेंट लिया है। और इसमें हम क्लिनिक प्लस का एक शैम्पू डाल देते हैं। तो इसको डाल करके इसको हम मिलाएंगे अच्छे से और इस तरह से आप सारा पूरा का पूरा पाउच इसमें डाल दें और इसको अच्छे से चम्मच से हम थोड़ा अच्छी तरह से मैश कर करके इसे मिलाएंगे, जिससे एलोवेरा और ये शैम्पू आपस में अच्छी तरह से मिल सके। और इसके बाद आप इसे अपने चेहरे या गर्दन, घुटने और हाथ पर, या किसी भी आपकी बॉडी में कहीं भी कालापन है अंडर आर्म्स तक में, तो इसको आप अच्छे से मसाज करके इससे फेशियल करें। तो आप इसे अच्छी तरह से मालिश करें कम से कम 5-10 मिनट, तो इससे आपके हाथ में बहुत गोरापन आएगा और इससे आपकी जो त्वचा है वो सॉफ्ट हो जाएगी और इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरह से कीजिएगा और आप इसको गोल गोल राउंड में घुमाइएगा। तो आगे और इस तरह से आप, मैं हाथ पर दिखा रही हूँ, तो आप अपने चेहरे पर, गर्दन पर और जहाँ भी आपको कालापन लगे वहाँ पर इस तरह से साफ कर सकते हैं और कमर पर भी पीछे आप इसको कर सकते हैं या किसी से करवा सकते हैं। और नेल्स पर भी इस तरह से घुमा घुमा कर मसाज कीजिएगा, तो इससे नेल्स पर भी ग्लो आएगा और आप देख सकते हैं कि कितना ग्लो मेरे हाथ पर आ गया है। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो अब हम इस पर एक चीज़ और लगा कर दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें लेना है थोड़ा सा फेयर एंड लवली, हमें ये फेयर एंड लवली की क्रीम ले लेनी है। तो इसे थोड़ा सा हम इस पर निकाल लेते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा निकाल सकते हैं। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा ले रही हूँ। तो इसमें आप थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और इसको अच्छे से फेंट करके एक हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो इससे बहुत ही अच्छा फेशियल होगा। तो इसको हमने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस पर आप इस तरह से मिक्स करके इस तरह से मसाज कीजिएगा और इसको गोल गोल शेप में ही हमें घुमाना है। और इस पर जो फेशियल हमें करना है, तो सबसे पहले तो हमें 3 उंगलियों से घुमाना है गोल गोल शेप में। तो फिर उसके बाद हमें 2 उंगलियों से घुमाना है और उसके बाद हमें 1 उंगली से घुमाना है। तो इस तरह से गोल गोल शेप में घुमाना है और इससे बहुत अच्छा फेशियल होता है और आपके चेहरे का भी रंग बिल्कुल निखर कर आएगा और आपकी त्वचा गोरी हो जाएगी। तो इसमें हमारा खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है और घर पर ही हम बहुत अच्छा कर लेते हैं और ये सब चीज़ें नेचुरल होती हैं
इससे हमारी स्किन को कोई नुकसान भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं वीडियो में हमें फेशियल किस तरह से करना है और इस तरह से हमें 10 मिनट तक करना है, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो त्वचा है ना बिल्कुल गोरी हो जाएगी और आपका चेहरा भी अच्छे से निखर जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने घर की ही चीज़ों से इतना अच्छा फेशियल करके दिखाया है कि इसमें हमारा ज़्यादा खर्चा होने वाला नहीं है और ना ही हमें कोई नुकसान होने वाला है और हम घर पर ही आराम से इसे कर सकते हैं। तो यदि आपको कुछ टिप ऐसी मिल जाती हैं जो आपके पैसे की बचत करें और आपके टाइम की बचत करें और आपका कोई नुकसान भी ना हो और ज़्यादा खर्चा भी ना आए तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, ये आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और आप मेरा वीडियो देखते रहिएगा। मैं रोज़ नई नई वीडियो इसी तरह की लाती रहती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में।